देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम न्यूज रूम और आपके साथ मैं हूं हर्षिता। आइए रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस या अन्य दल, हर कोई जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इतना ही नहीं, जनता को साधने के लिए भी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं द्वारा वादों दावों और गारंटी की भी झड़ी लगाई जा रही है। इसी कड़ी में अब सत्ता पक्ष पार्टी बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है। दिवाली से पहले 11 नवंबर को एमपी बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है, जो महिला और युवाओं पर केंद्रित हो सकता है। वहीं रूप चौदस के दिन बीजेपी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी करेगी और इस घोषणा पत्र में हर परिवार से एक सदस्य को रोजगार की गारंटी समेत कई बड़े वादे शामिल हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी का आज धनतेरस पर ही घोषणा पत्र जारी करने का प्लान था, लेकिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने के कार्यक्रमों में बदलाव होने के चलते इसे शनिवार को जारी करने की योजना है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में, जहां अपने सतना दौरे के द्वारा राहुल गांधी ने मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की सत्ता में वापसी के साथ ही जातिगत जनगणना करवाने की भी बात कही। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख तय होने के बाद राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में यह तीसरा दौरा है और अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी मोदी सरकार सहित शिवराज सिंह चौहान पर भी हमला करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर हमारी सरकार और आपकी सरकार की चोरी की है। जितना पैसा बीजेपी सरकार द्वारा अडानी अंबानी और उद्योगपतियों को दिया गया है, उस पैसे को कांग्रेस की सरकार आते ही वहां के लोगों को, गरीबों को देने का कार्य किया जाएगा। इससे पहले 10 नवंबर को ही जबलपुर में राहुल गांधी ने कई संगठनों के साथ गुप्त बैठक भी की है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में, जहां उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में धनतेरस पर भस्म आरती के साथ दीप उत्सव की शुरुआत हुई। शुक्रवार तड़के सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। भगवान महाकाल का सबसे पहले जल अभिषेक किया गया। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद, फल के रस से बने पंचामृत से अभिषेक कर पूजन हुआ। फिर बाबा महाकाल को भस्म चढ़ाई गई। धनतेरस पर बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। महाकाल मंदिर के पुरोहितों और पंडितों ने देश में सुख समृद्धि की कामना के साथ भगवान महाकाल की विशेष पूजा कर भस्म आरती की। सैकड़ों श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। वहीं महाकाल के भक्तों ने वहां जमकर जयकारे भी लगाए। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में, जहां फायर ब्रांड नेता व पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह कंफ्यूज नजर आ रही है। पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि उमा से इस विधानसभा चुनाव में प्रचार करवाएं या फिर नहीं। दरअसल बात यह है कि पहले खुद उमा भारती का प्रचार ना करने का ऐलान करना, इसके बाद भाजपा का उन्हें स्टार प्रचारक ना बनाना और फिर अचानक उमा की सभाएं और दौरा कार्यक्रम तय हो जाना, इसके बाद उमा का एक बार फिर सभा ना करने की बात कहना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि भाजपा और उमा के बीच कुछ ठीक नहीं है और बीजेपी उनको लेकर कुछ निर्णय भी नहीं ले पा रही है। उमा की भूमिका पर लगातार सस्पेंस भी बनता हुआ नजर आ रहा है। उमा ने एक अन्य पोस्ट में भी बताया कि अब मुझे आगे किसी उम्मीदवार को संकट में नहीं डालना, इसीलिए अब मेरी कोई भी सभा नहीं होगी, सिर्फ भगवान से सबकी विजय के लिए प्रार्थना होगी। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां राजधानी भोपाल में नवंबर में रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। 11 साल में दूसरी बार दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड 34 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं रात में पारा 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बुधवार को भी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने का अनुमान है। वहीं सुबह से ही तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 4 दिन में 12 नवंबर तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।